और उस क्वारंटेन से जब बाहर आया इतने अद्भुत कार्य किया प्रजार से अनेक लोग उद्धार पाया पावलो उस में रहकर जेल के अंदर रहकर आज हमें पढ़ने के लिए अः किताबों को आ, बुक्स को पत्रियों को लिखा हमारे प्रभु का श्रेष्ठ दास पार्श्वियो वर्गीस पिछले दिनों में दिल्ली में एक विवाह में गया उसके बाद आज दस दिन के पश्चात हमारे बीच में पुनः ज्वाइन हो रहे हैं हमें सिखाने के लिए प्रभु का दास आ रहे हैं जाए जाए आप जानते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं आते हैं तो क्वारंटाइन में रहना पड़ता है आज का विशेष परिस्थिति में प्रभु का दास अपने घर में क्वारंटाइन में था और प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करने वाला बहुत लोग है धन्यवाद देता हूं आप सब प्रभु का दास के लिए निरंतर प्रार्थना किया आगे भी प्रार्थना करें ना केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि पवित्र आत्मा और भी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का कलाम लोगों को सिखा सके और अनेक लोग जो उद्धार नहीं पाए हैं उद्धार पाए और जो उद्धार पाए हुए लोग और अधिक पवित्रदायी से शोभा होकर परमेश्वर का वाट जो सके आपका प्रार्थना हम आगे भी चाहते हैं आपसे अनुरोध है जितना लोग हो सकते हैं जहां तक हो सकते हैं आप अपना वीडियो को कृपया ऑन रखें वो काफी अच्छा रहेगा आए हम प्रार्थना का साथ इससे पहले कि हम परमेश्वर का वजन को सुने प्रार्थना करेंगे पास्टर संजय युके

उनकी आवेदन तमाम को पूरी किया विशेष इस महामारी से आपने उनके परिवार को बचा के हम को हैं। जब वो आप उन्हें बोलो रखे आप हमसे बोले और बातचीत कर अपने आत्मा के द्वारा और गहराई की बातों को सुधने बचाने के लिए सहायता करें प्रभु आपने हमारे सुने धन्यवाद जी आपका स्वागत है और आगे का समय आपका सबको जय मसीह की कुछ दिनों के पश्चात हमें फिर मिलने का अवसर परमेश्वर ने प्रदान किया है बीते दिनों में परमेश्वर हमें अपने अपने स्थानों में संभाले रखा आप लोगों के प्रार्थनाओं के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा और आज परमेश्वर के सम्मुख हमें एकत्रित होने का अनुग्रह खुदा ने पर अदा की है प्रभु परमेश्वर का जय जयकार मैं करता हूं फिर से प्रभु के वचन में हम प्रवेश करते हैं शायद पिछले कुछ दिनों में आप सब भूल गए होंगे हम क्या सीख रहे थे पिछले लगभग दो तीन महीने के आसपास शायद हो रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन उस सिलसिले में सीख रहे थे और अभी हम पिछले कुछ आखिरी आखिरी में ये देखने लगे थे कि कलिसिया महाकलेश से होकर जाएगी या नहीं उसके लिए हमने देखा है कि इसराइल और कलिसिया में कुछ फर्क है महाक्लेश जो है इसराइलियों के लिए यहूदियों के लिए परमेश्वर ने ठहराया है ना ही कलिसिया के लिए तो हम पहले भी देखे थे प्रभु यीशु मसीह के आमद के बारे में जब हम सीख रहे थे तब कि प्रभु यीशु मसीह इसीलिए प्रकट होंगे कि आने वाले प्रकोप से हमें बचा ले तो उसमें और हम विशालता में देखेंगे तो उसके एक पहला सत्र के तौर पर हम सत्तर सप्ताहों के बारे में सीखने की कोशिश की या उसके लिए हम अभी अपना समय को अलग किए हुए हैं कि सत्तर सप्ताहों के विषय में प्रभु परमेश्वर ने दानियल को नौवा अध्याय में बताया था उसके बारे में हम उसके बारे में आगे देखने के लिए चाहेंगे कुछ प्रभु के दात लोग भी नए सीरीज से मुंबई से भी हमारे साथ में जुड़े हैं विशेषकर शिबू मोसस और भी कुछ लोग आने की उम्मीद करते हैं उन सब के साथ भी हम जो संगति रखते हैं तद द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होवे तो आइए हम चलेंगे दानियल नौ अध्याय में जैसे हमने पिछले दिनों में देखा दानियल प्रभु परमेश्वर का दास ने बताया उसके अनुसार यहूदी लोगों के बंतुआई में दानियल भी बाबुल में पहुंचाया गया जैसे कि यहूदा के राजा हिजकिया वो शायद कैंसर था उनको अभी के हिसाब से उनको शायद कैंसर था मरणहार फोड़े हुआ था तो वो मरने पर था अपनी जवानी में लेकिन उसने गिड़ विनती किया परमेश्वर ने आयु पंद्रह साल और बढ़ा के दिया लेकिन वो पंद्रह साल के दौरान उन्होंने जो काम किया उसकी वजह से यशया नबी ने उसे बताया कि जो जो बातें जो जो चीजें तूने बाबुल से आए हुए मेहमानों को दिखाया है वो सबके सब, सब बाबुल में लूट लिया जाएगा और जो बेटा तुझे पैदा होगा वो पाप का कारण होकर यहूदियों के गिरावट के कारण होगा तो वो पंद्रह साल के दौरान जो बढ़ा करके उसे दिया गया था की जिंदगी कोई खास नहीं रहा हिचकिया की जिंदगी से कोई आशीष नहीं मिली परमेश्वर को महिमा नहीं मिली परंतु मनुष्य जैसे बेटो बेटों की जन्म ही उन्हीं पंद्रह साल में हुआ तो ये को यशया नबी ने बताया हुआ नबूबतों के अनुसार परमेश्वर इसरा यहूदियों के पापों के कारण उन्हें बाबुल में बंदी बना करके भेजा उस बिंदुआई में दानियल भी शामिल थे तीन झुंड में होकर थे वे जो तीन दफे में होकर वे यरूशलेम से लाए गए थे तो ये सब बातें अपन को ऐशया उनतालीसवा अध्याय में देखने को मिलता है तो उनतालीसवा अध्याय आशया थर्टी नाइन उनतालीस वो पूरा अध्याय है लेकिन आ, उसका पांच और छ को पढ़िएगा पांच और छ तब यशया ने हिजिकिया से, से कहा हाँ तब यशया ने से कहा सेनाओं के यहोवा का यह वचन सुन ले ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। हाँ तो हिस्सिया चंगा हो गया उस खुशी में बाबुल से कुछ लोग आए थे और चंगा होने की खुशी में राजा ने राजमहल का क्या युशलेम मंदिर का क्या सब बातें सब चीजें जो कुछ भी रखा था सब कुछ उन लोगों को दिखाया उसके बाद यशया नबी के द्वारा परमेश्वर की आत्मा ने बताया हुआ भविष्य की बात है कि जो कुछ भी तुमने बाबुलियों को दिखाया है वे सब कुछ बाबुल में उठा लिया जाएगा लूट लिया जाएगा और तेरे बच्चे लोग भी जैसे सातवा पद में हम पढ़ते हैं वैसे कि तुम्हारे बच्चों में से कुछ लोग बंदुआई में तो जाएंगे और वे खोजे बनकर बाबुल के राजभवन में रहेंगे तो उस प्रकार राज परिवार के राजा के परिवार के लोग जो है बाबुलियों के द्वारा बंदी बनाकर ले जाए गए थे तो उनमें से एक विशेष व्यक्ति था दानियल वो हम दानियल की पुस्तक पहला अध्याय में पढ़ते हैं कि उसका एक से लेकर की पद है लेकिन उसकी तीस तीन से लेकर पदों में हम पढ़ते हैं तीन और चार भी पढ़ लीजिएगा दानियल एक का तीन और चार तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि इसराइली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें के शास्त्र और भाषा की शिक्षा पर पद में देखते हैं इसराइलियों में से राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला ले तो दानियल भी उसमें थे तो राजपुत्रों में से एक था दानियल इसीलिए दानियल यहूदा गोत्र के ही होने की संभावना है दाऊद के घराने का ही होने की संभावना है तो इस प्रकार दानियल आदि लोग जो है बाबुल में यानी वर्तमान इराक ठीक है वर्तमान इराक में ला लिए गए वहां अब लड़का तो था ये जवान लड़का था लेकिन भविष्यवाणी जैसे था उसी प्रकार खोजा बनाया गया था मनुष्यों के हाथों से खोजा बनाया गया था इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला था तीन प्रकार के खोजे होते हैं आपको याद होंगे पहला तो नैसर्गिक खोजे होते हैं जन्म से ही खोजे होते हैं स्वाभाविक खोजे दूसरे हैं मनुष्यों के द्वारा खोजे बनाए गए और तीसरा है परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को खोजा बनाते हैं इस प्रकार तीन प्रकार की खोजों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बताया उनमें से दूसरा प्रकार की खोजा बनाया गया था दानियल दानियल के सारे साथिया नहमिया जैसे लोग वे सब क्योंकि राजमहल में उन्हें सेवा करना था तो परिवार होते तो अभी तो हम देखते हैं ना परिवार वाले भ्रष्टाचार ज्यादा करते हैं ए, अपने ए, भांजी भतीजों को भी पदाधिकारी बनाते हैं ए, अपने पुत्र पुत्रियों को भी बहु बेटियों सबको इस प्रकार करते हैं तो उस समय भी ऐसे थे लेकिन वो सारी बातों को ना होने देने के लिए खोजों को ही मुख्य स्थानों में रखते थे उन समयों में ऐसे था तो उस प्रकार दानियल जैसे लोगों को खोजे बनाकर बाबुल में सेवा में लगाए थे राजभवन में राजभवन में अब लगभग सत्तर साल होने पर है दानियल मस्त वो हम पर अपना या निभा रहे हैं और शायद अब रिटायरमेंट का उम्र पहुंच गया लेकिन जब नौकरी पे थे तब भी वचन पढ़ना प्रार्थना करना गिड यही ये ही उसका काम ज्यादातर थे अब रिटायर भी हो गया तो दूसरा कोई काम तो नहीं है उनके पास वो ज्यादातर शास्त्र पढ़ने में लगाया है ऐसे पढ़ते पढ़ते में वो ये यरमिया नबी के भविष्यद्वानी की पुस्तक पढ़ने लगा जो नौ अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं हमने पिछले दिनों में पढ़े थे फिर भी उसका पहला दूसरा पद को पढ़िएगा शे, का पुत्र दारा जो कस्तियों के देश पर राजा ठहराया गया था उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो इरम्या नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात सत्तर वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी तब इर, मैं इरम्या बस बस इरम्या नबी का पुस्तक पच्चीस का ग्यारह और बारह भी पढ़िएगा पच्चीस का ग्यारह जा, बारह हाँ। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां सत्तर वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी जब सत्तर वर्ष बीत चुके तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कस्तियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा यह होगा कि यह वाणी है और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा तो इस प्रकार नबी के पुस्तकों में से दानियल पढ़ने लगा तब दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि इन वचनों के आधार पर हे परमेश्वर आप लोगों को छुड़ा लें लोगों को छुड़ा लें तो उन्हीं बातों को आ, आप 29व अध्याय में भी पढ़ सकते हैं कि 10 से लेकर 14 तक है लेकिन 10वा पद ही फिलहाल पढ़िएगा यर्मिया 29 29 का 10 यहोवा यूं कहता है बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सूदी लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा तो बस 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 इन सारे वचनों के पढ़ने पर दानियल के अंदर एक उत्सुकता हुआ वह परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा प्रभु आप सत्तर साल के बाद में बाबुल की बंधुआई से यहूदियों को 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 यरूशलेम वासियों छुड़ाएंगे वादा किया है उस वादे को पूरा होने दे उसके लिए वो प्रार्थना करने लगा वो हम दानियल नौ का तीन से लेकर के पदों में पढ़ते हैं तो वो उपवास लेकर प्रार्थना करने लगे वो बिल्कुल या तीसरा पद को भी पढ़िएगा नौ का तीन तब मैं तब अपना मुख तो प्रभु परमेश्वर प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा तो देखो वो कहता है उपवास लेने लगा टाट पहनकर राख में बैठकर परमेश्वर से वरदान मांगने लगा तो उपवास टाट और राख और गिड़गिड़ाने लगा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा ये पांच काम गिड़गिड़ाना प्रार्थना करना उपवास करना टाट पहनना राख में बैठना ये सब दानियल करने लगे किस लिए परमेश्वर आपने यम्या नबी के द्वारा पहले बताया सत्तर साल पूरा होने पर आप इन लोगों को छुड़ा ले क्योंकि प्रार्थना करते समय लगभग सत्तर साल होने पर था एक दो साल ही बचा हुआ था इसीलिए परमेश्वर फिर से अपना मन कठिन नहीं करने के लिए कठोर न करने के लिए यहूदियों पर तरस खाने के लिए को स्मरण करने के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर इसराइलियों और यरूशलेम ये, के लिए इतना जिम्मेदारी लेकर प्रार्थना करने वाला दानियल के पास आकर के कहा दानियल तुम तो इतना जिम्मेदारी लेकर मेरे प्रजा के लोगों के लिए प्रार्थना करता है तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि इसराइल के लिए मेरी योजना सत्तर साल का नहीं है परंतु सत्तर सप्ताहों का है ठीक है सत्तर सालों के बाद होने वाला छुटकारे के लिए दानियेल जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसे बताया सत्तर साल नहीं परंतु इसराइलियों के लिए यरूशलेम के लिए मेरे पास जो योजना है वो सत्तर सप्ताहों का है उसके बारे में है हम जो यानी नौ अध्याय की बीस से लेकर सत्ताईस तक पढ़ते हैं लेकिन आ, उसका तेविसवा वचन में हम पढ़ते हैं दानियल को परमेश्वर कैसे पुकारता है कैसे संबोधित करता है तेवीसवा वचन जब तुने तुने करने लगा तब इसकी आज्ञा निकली इसीलिए मैं तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय टहरा है परमेश्वर के बस परमेश्वर के लिए दानियल अति प्रिय पुरुष था दस का ग्यारहवा पद में भी हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर दानियल को अति प्रिय पुरुष कहते हैं अति प्रिय पुरुष कहते हैं और दस का उन्नीस में भी परमेश्वर दानियल को उसी नाम से बुलाता है तो दानियल नौ का तेवीस में दस का ग्यारह में और दस का उन्नीस में तीन भागों में दानियल को परमेश्वर ने कैसे बुलाया कैसे संबोधित किया प्रिय पुरुष या अति प्रिय पुरुष ठीक है अति प्रिय पुरुष अति प्रिय पुरुष इसलिए शायद आपने सीखे होंगे ये दानियल का पुस्तक पुराने नियम के सत्ताईसवा किताब है ठीक वैसा ही नया नियम का सत्ताईसवा किताब कौन सा है प्रकाशित वाक्य प्रकाशित वाक्य पुराने नियम के सत्ताइसवा किताब किसने लिखा दानियल जो परमेश्वर के अति प्रिय पुरुष था नया नियम का सत्ताईसवा किताब प्रकाशित वाक्य किसने लिखा योग जो यीशु मसीह का अति प्रिय चेला था काफी समानता इन दोनों किताबों में है इसलिए ही अक्सर ये दोनों किताबें लेकर पढ़ाया जाता है डैनियल एंड रेवलेशन बाइबल स्कूलों में भी ये दोनों विषय पढ़ा ये दोनों किताबें एक साथ में पढ़ाते हैं तो ठीक है तो अति प्रिय पुरुष डैनियल के पास परमेश्वर ने आकर कहा सत्तर सप्ताहों का एक प्रबंध मेरे पास के लिए है फिर से हम चलेंगे चौबीसवा वचन में नौ का चौबीस दानियर तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए सत्तर सप्ताह ठहराए गए हैं तो देखिए रुक रुके देखिए यहाँ बताया है सत्तर सप्ताह ठहराया गया है किनके लिए तेरे लोग यानी यहूदी और तेरे पवित्र नगर यानी यरूशलेम के लिए ठीक है तो यरूशलेम और यहूदियों के लिए सत्तर सप्ताहों का ठहराया जाना परमेश्वर यहां प्रकट करता है अब देखते हैं ये सत्तर सप्ताहों में क्या क्या होना है क्या क्या होगा हमने पहले ही देख चुके छह बातों का होना जरूरी है क्या क्या है पढ़े आगे कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो पहला अपराध का होना बंद होना है दूसरा पापों का अंत पापों का अंध होना है तीसरा और अधर्म का प्रयाश्चित होना अधर्म का प्रायश्चित किया जाना चौथा और युग की धार्मिकता प्रकट हो हाँ युग युग की धार्मिकता प्रकट, हो, प्रकट होना है और पांचवा और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए दर्शन और भविष्यवाणी की बातों पर मोहर लगा दिया जाए और आखिरी बात है और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए परम पवित्र का अभिषेक किया जाए तो हमने पिछले दिनों में देखा ये छह बातें सत्तर सप्ताहों के अंदर इसराइलियों के सिलसिले में पूरा होना बाकी है ये आम तौर पर नहीं यहूदियों के लिए ये छह बातें पूरी होनी चाहिए ये छह बातें उसमें हमने कितने बातों को देखा कुछ याद है पहली बार दूसरा शुरू किया था जी ठीक है पाप, पाप को मिटाना पाप को ठीक है तो पहले बात को हमने देखा है कि पहला क्या था अधर्म का होना बंद हो अधर्म का होना बंद हो उसका मतलब किसके सिलसिले में किसके अधर्म का होना यहूदियों का अधर्म का होना यहूदियों का अधर्म क्या है उन्होंने यीशु को मसीह जानकर अंगीकार नहीं किया तो ईशु की मसीही होने का अंगीकार नहीं करना यहूदियों के लिए पाप है उनका अपराध है तो उनका अपराध का होना बंद हो उसके लिए हमने देखा है क्या चाहिए ईशु मसीह को वे क्या करना है मसीह जानकर अंगीकार करना है ईशु मसीह को ईशु को मसीह जानकर जब तक इसराइली देश के तौर पर राष्ट्रीय तौर पर अंगीकार नहीं करेंगे तब तक उनका अपराध का बंद नहीं किया जाएगा उनके अपराध का बंद नहीं होगा तो उनके अपराध का बंद होना कब होगा वे पूरे की पूरे देश ईशु को मसीह जानकर अंगीकार करेंगे यह कब होगा हमने देखा है कब होगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएंगे तब धरती पर मसीह आएंगे तब लेकिन उससे पहले धरती पर आने से पहले ही मसीह कलीसिया को अपने पास में उठा लेंगे इसीलिए हमारा इंतजार हमारे उम्मीद हमारे आशा हमारे प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने की आशा से बढ़कर बादलों पर आने की आशा है यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेंगे और कलीसिया धरती से बुला ली जाएगी दोनों हमारे प्रभु से मिलेंगे हवा में और बादलों पर। वो हम पहला तिसलोन चार का सोलह और सत्रह पदों में पढ़ते हैं तो जब तक प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को लेकर धरती पर जैतून पहाड़ में नहीं उतरे उतर आता उतर तब तक यहूदी यीशु को मसीह अंगीकार नहीं करेंगे हाँ जरूर अभी व्यक्तिगत तौर पर कुछ कुछ लोग यीशु को मसीह जानकर अंगीकार करते हैं लेकिन वो नहीं है यहां बड़ यहां राष्ट्रीय तौर पर यहां कुल मिलाकर पूरे देश पूरा देश यीशु मसीह यीशु को मसीह जानना चाहिए सबके सब के सब सबके सब, सब इसराली पूरे राष्ट्रीय तौर पर देशीय तौर पर मसीह को अंगीकार करना वो तभी होगा जब यीशु धरती पर महिमा के साथ आएंगे तब तक नहीं होगा इसीलिए जो छह बातें होनी हैं वो छह बातों में पहली बात तो अभी तक पूरा नहीं हुआ और प्रभु यीशु मसीह धरती पर महिमा के साथ आने तक पूरा नहीं होगा ये भी हम यहां से समझते हैं ठीक है दूसरी बात अभी हम देखते हैं दूसरा काम क्या होना है दूसरा बात जो क्या क्या होना है बताया है पापों का अंत होना पापों का अंत होना तो पापों का अंत होना का मतलब क्या है हमने देखा कि मनुष्यों के पाप मैं आपसे यहां एक सवाल करना चाहूंगा शैतान ने भी तो पाप किया नहीं तो स्वर्गदूत ने भी तो पाप किया और मनुष्य ने भी पाप किया इन दोनों के पापों में क्या अंदर है इन दोनों के पापों में स्वर्गदूतों ने जो पाप किया उनके पाप मनुष्य ने पाप किया उनके पाप तो दूतों के पाप और मनुष्यों के पाप इन दोनों में क्या फर्क है मनुष्य को धोखा दिया गया था okay. स्वर्गदूतों को स्वर्गदूतों ने खुद अपने आप हाँ लोगों बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया स्वर्गदूतों के पाप उन्हीं के अंदर से था एंजल्सिटेड sin from within. फ्रॉम विदिन उन्होंने अपने ही अंदर से स्वयं ही जिम्मेदार होकर स्वर्गदूतों ने पाप किया मतलब कोई बाहरी शक्ति की प्रेरणा से स्वर्गदूतों ने पाप नहीं किया अपन, खुद ही जिम्मेदार है खुद ही जिम्मेदार है स्वर्गदूतों के पाप का लेकिन मनुष्यों के पापों में बात यह है कि मनुष्य ने बाहरी शक्ति की प्रेरणा से पाप किया बाहरी शक्ति की प्रेरणा से जब तक वो बाहरी शक्ति की प्रेरणा नहीं होता तब तक मनुष्य अभी भी पाप नहीं कर सकेगा अभी भी हाँ पाप करने का तत्परता तो मनुष्य में अभी की स्थिति में होगा मगर वो खुदी भी खुदी भी पाप में मनुष्य नहीं पड़ा इसीलिए सिस्टर सोफिया, यू आर राइट, कि जैसे हम बताते हैं या वचन में हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत स्वयं होकर पाप करने के कारण उनको मन फिराब का अवसर ही नहीं है लेकिन मनुष्य बाहरी शक्ति की प्रेरणा से पाप किया तो उन्हें मनफराब का अवसर है तो यह है स्वर्गदूत और मनुष्यों के बीच में काफी फर्क है लेकिन एक विशेष फर्क पाप के सिलसिले में कि स्वर्गदूत ने स्वयं अपने ही तत्परता से अपने ही इच्छा से पाप की लेकिन मनुष्य शैतान के प्रेरणा से तो यहां पर सत्तर सप्ताहों का सप्ता छह प्रकार की बातें पूरी होनी है उसमें से पहली बात अभी तक पूरा नहीं हुआ परंतु वो प्रभु के आगमन में ही पूरा होगा जो पृथ्वी पर का मसीह का आगमन है हमने देखा इसलिए सत्तर सप्ताह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक प्रभु यीशु मसीह धरती पर महिमा के साथ ना आवे दूसरी बात को देख रहे हैं कि सत्तर सप्ताहों का दूसरा मकसद है कि पाप का अंत होना पाप का अंत होने का मतलब यह है कि पाप कराने वाला नाकाम होने की स्थिति में लाना पाप कराने वाला पहले से ही कौन है हम जानते हैं शैतान है इसीलिए पाप का अंध मनुष्यों के बीच में होना तो मतलब ये हो गया कि मनुष्यों के बीच में विशेषकर यहूदियों के भी अंदर शैतान का कार्य विफल होना शैतान बिल्कुल नाकाम होना वो भी हम प्रकाशित वाक्य बीस अध्याय एक दो तीन में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य बीस का एक से तीन तक की पदों में पढ़ते हैं कि शैतान एक हजार साल के लिए अथा कुंड में डाल दिया जाएगा मनुष्यों के बीच में चल फिरने के लिए शैतान को अवसर ही नहीं होगा जब शैतान जो पाप का प्रेरणा है मनुष्यों के बीच में पाप कराने वाला होकर के नहीं रहता है तब जो है मनुष्यों के बीच में पाप का अंध हो जाएगा पाप नहीं होगी पाप नहीं होगी तो दूसरी बात भी क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों को पाप कराने वाला शैतान जो भयकाने वाला भरमाने वाला शैतान को मनुष्यों के बीच में काम करने का अवसर नहीं देंगे तब मनुष्यों के बीच में विशेष यहूदियों के लिए वो पाप का अंग होगा हमने देखा है तो एक हजार साल का राज्य प्रभु ईशु मसीह इसी संसार में संस्थापित करेंगे एक हजार साल के राज्य के बारे में भी हमने सीखा है तो वो एक हजार साल के राज्य में यहूदी और अन्य जाति के लोग प्रस्तुत होंगे उपस्थित होंगे लेकिन वो एक हजार साल के राज्य की शुरुआत में ही या शुरुआत से ठीक पहले ही प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को लेकर महिमा में धरती पर उतर आएंगे तब यीशु को मसीह जानकर यहूदी स्वीकार करेंगे उसके बाद है शैतान को एक हजार साल के लिए बांधेंगे उस बीच में शैतान को मनुष्यों के बीच में उन्हें भरमाने का अवसर ही नहीं मिलेगा विशेषकर यहूदियों को फिर वो बिल्कुल भी नहीं भरमा सकेगा फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा ये छह बात किसके संबंध में होना है यहूदियों के संबंध में अन्य जातियों के नहीं तो सारे संसार के संबंध में नहीं यहूदियों के संबंध में ये छह बातें संबंध होना है तो प्रभु यीशु को मसीह जानकर जब पूरा इसराइली देश स्वीकार करेंगे उसके बाद में शैतान को उन्हें भरमाने का अवसर ही नहीं है उसके बाद यहूदियों में से कोई भी भरमाया नहीं जाएगा ठीक है भरमाया नहीं जाएगा तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा पाप अभी जो करवाता है पाप का जिम्मेदारी शैतान पर है शैतान पर है फिर एक बार हम देखेंगे दूसरा पत्रिका कुरिंथी कलिसिया के लिए है दूसरा कुरिंथियो ग्यारह अध्याय का दूसरा तीसरा पद को पढ़िएगा क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूम लगाए रहता हूँ क्योंकि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुवारी के समान मसीह को सौंप दू परंतु मैं डरता हूँ अपनी चतुराई से हवा को बहकाया वैसे ही तुम्हारी मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना की जाए देखिए हमें मालूम है वो सांब कौन सांब है ठीक है प्रकाश दवा बारह का सात में बताया गया वो पुराना सांप बड़ा जिगर हवा को बहकाने वाला तो वो साम यानी शैतान अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था वैसे ही पौलूस डरता है कि कलिसिया को भी शैतान ना बहकाए तो मनुष्यों को पाप करने के लिए बहकाने वाला भरमाने वाला शैतान उसका नाम ही तो ऐसे है भरमाने वाला लेकिन उसको जब बांधेंगे तब वो किसी भी मनुष्य को फिर बहकाएगा नहीं तौर पर यहूदियों को क्योंकि 1000 साल के राज्य के अंत में मसीह के 1000 साल का राज्य धरती पर हो चुका होगा उसके बाद शैतान को थोड़े समय के लिए खोल देंगे तब वो क्या करेगा? यहूदियों को बहकाएगा पढ़िए बीस अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका सात और आठ हजार पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, गोग और मागोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा देखा एक हजार साल मसीह का पूरा होने के बाद शैतान को अथाकुंड कुंड की बंधुआई से थोड़े समय के लिए रिहा कर देगा तब वो क्या करेगा सारे पृथ्वी पर चलता फिर हुआ जाति जाति के लोगों को वो भरमाएगा जाति जाति के लोग एक हजार साल के राज्य में कौन कौन है यहूदी और जाति जाति के लोग लेकिन शैतान किसको भरमाता है जाति जाति के लोगों को अन्य जाति लोगों को कोई भी यहूदी को उसके बाद वो भरमा नहीं सकेगा तो पाप का अंध होने का भी मतलब यह हुआ है कि इसराइल फिर पाप ना करने की स्थिति में मसीह से जुड़ जाए फिर पाप न करने की स्थिति में अंतिम तौर पर इसराइलियों का रेस्टोरेशन का त्यों किया जाए तभी तभी होता है तो इसीलिए ये दूसरी बात भी कभी ही पूरा होगा जब हमारे प्रभु यीशु मसीह धरती पर महिमा के साथ आएंगे तभी पूरा होगा उससे पहले दूसरा मकसद भी पूरा नहीं हो सकता है ठीक है पूरा नहीं हो सकता एक सवाल किया गया है वाई गॉड डिड नॉट सेव एंजल दो ह्यूमन एक ही शब्द में बोलूं, तो परमेश्वर की मर्जी गॉड इज सॉवर ही हैज ए सॉवर विल परमेश्वर परमाधिकारी है परमेश्वर को यही भाया है परमेश्वर को यही भाया और कुछ नहीं गॉड्स फ्लशर गॉड्स फ्लशर परमेश्वर यह सवाल हुआ है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने क्यों नहीं बचाया परंतु मनुष्यों को ही क्यों बचाया जवाब सही जवाब ये है परमेश्वर की मर्जी परमेश्वर को यही भाया हम लोग गीत गाते हैं ना पिता को भाया है हमें एक राज्य दें तो ये पिता को भाया ऐसे हैं उसमें दूसरा कोई बात नहीं क्योंकि परमेश्वर सौवरिन सर्वशक्तिमान है परमेश्वर की इच्छा सर्वशक्तिमान इच्छा है परमेश्वर के चॉइसेस चुनाव सर्वशक्तिमान चुनाव है तो परमेश्वर को जो भाया जो अच्छा लगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ वो ही किया है अब दूसरा एक कारण ये है God loved only human beings. परमेश्वर ने केवल मानव जाति से ही मोहब्बत किया परमेश्वर को मनुष्यों के अलावा किसी से भी प्यार नहीं है मनुष्य के अलावा किसी से भी परमेश्वर मोहब्बत नहीं करते मेरे अधिकतर संदेशों में मैं इन बातों को बताता हूं कि केवल हमी से परमेश्वर ने प्रेम किया है स्वर्ग दूतों से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया आप में से कुछ लोग जरूर संदेह कर रहे होंगे क्यों केवल मनुष्य से ही परमेश्वर प्रेम करता है हां बेशक मनुष्य ही से परमेश्वर प्यार करता है और किसी से नहीं किसी सृष्टि से नहीं सवाल आप करोगे स्वर्गदूतों से भी हाँ स्वर्ग दूतों से भी परमेश्वर प्रेम नहीं करता है क्यों क्यों का फिर से वो ही मतलब वो ही परमेश्वर को भाया है वो ही परमेश्वर को भाया है ठीक है, शक है तो एक वचन आप पढ़ लीजिएगा व्यवस्था विवरण साथ का साथ, द्वितीयों में सेवन वो सेवन, आवर्तनम एड एड। यहुवा ने इस तरीके से तुमको चुन लिया है, इसका कारण या नहीं था कि तुम गिनती में औरत देशों के लोगों से अधिक थे। तुम तु तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे देखिए उसके शुरुआत में रीजन वहां दिया है कारण वहां दिया है यहोवा ने जो, जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया क्यों चुना हमने स्नेह किया द लॉर्ड सेट अस

प्रिय पट्ट तिरंजड़ो यिय पट्ट तिरनेज परमेश्वर ने हमको प्रेम प्रिय लगा अभी हमने देखा सुना दानियल में तीन दफे दानियल को परमेश्वर ने कहा अति प्रिय पुरुष अति प्रिय पुरुष परमेश्वर को हमसे प्रिय प्रेम उत्पन्न हुआ परमेश्वर मनुष्य से ही प्रेम किया क्योंकि सृष्टि ही ऐसे है उसमें अगर बोलते जाए तो हमारे ये विषय से हम निकल जाएंगे इसीलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा तो मेरा एक खास विषयों में से एक है कि उसके बारे में मैं अक्सर बताना पसंद करता हूं कि परमेश्वर हमारी सृष्टि ही इस कदर किए थे कि परमेश्वर हमसे ही प्रेम किया स्वर्गदूतों सहित किसी को भी परमेश्वर अपने ही स्वरूप और समानता में प्रेम नहीं किया परमेश्वर स्वर्गदूतों सहित किसी को भी मनुष्य के अलावा अपने हाथों से बनाया नहीं परमेश्वर मनुष्यों के अलावा किसी सृष्टि में स्वर्गदूत सहित किसी सृष्टि में अपने जीवन का शास्त्र नहीं फूका परमेश्वर मनुष्यों के अलावा किसी भी सृष्टि से संगति नहीं रखता शायद सवाल तो फिर आपके दिमाग में उगेगी स्वर्गदूत तो हमेशा परमेश्वर की संगति में ही तो रहते हैं हम गीत भी तो गाते हैं दूतों के संग संग आराधना नहीं गलत है वो ठीक है दूतों के संग संग आराधना नहीं गलत गाते हैं हम फिर हाँ स्वर्गदूत स्तुति करते हैं मगर आराधना नहीं करते हम आराधना करेंगे जब स्वर्ग जाकर तब स्वर्गदूत हमारे साथ वो गाना भी नहीं गा पाएंगे हम कौन सा गाना गाएंगे स्वर्ग में जाके उधर जाके क्या हम यह गाना गाएंगे क्या कि अः हल्ले लु नहीं गा पाएंगे परंतु हम वहां जाकर कौन सा गाना गाएंगे नया गीत, नया नया गाना। गाना? क्या होगा वो मलयालम में हाँ बिल्कुल मैं अक्सर ये बात बताता हूं तो मलयालम में एक गाना യേശുവിൻ സ്നേഹത്താലുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ അതിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ പാടാറുണ്ട് സ്തോത്രം ഗാനം പാടും ഞാൻ സിയോനിൽ ദൂതർക്കും പാടാൻ അസാധ്യമേ അത് എന്താണ് ആ വീണ്ടെടുപ്പിൻ ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവറുകിരിയിൽ കാൽകരം തുളച്ച കുഞ്ഞാടാം പ്രിയനിൻ സ്നേഹമൻ ഗാനമേ हालेलुया स्तोत्रम विंदूदरकुम पाडा न साध्यमय स्वर्गदूत भी नहीं गा सकेंगे वो गाना जो हम गाएंगे स्वर्गदूत गाने वाले हर गाने हम गा सकेंगे लेकिन हम गाने वाले हर गाने स्वर्गदूत नहीं गा पाएंगे प्रेज द लॉर्ड समझ में आ रहा ना प्रेज गा स्वर्गदूतों के गाने हम गा सकेंगे मगर हमारे गाने स्वर्गदूत नहीं गा सकेंगे क्योंकि हमारे गाना क्या है कौन सा गाना गाते हैं हम हम तो वो गाने गाएंगे हमारे परमेश्वर का प्रेम का गाना वी विल बी सिंगिंग ऑफ गॉड लव सोंग टू गाड एंड ए लव सोंग ऑफ गाड परमेश्वर के प्रेम के गाने हम गाएंगे परमेश्वर से हमारे प्रेम का गाना हम गाएंगे ये दोनों गाने स्वर्गदूत नहीं गा सकेंगे कोई स्वर्गदूत कभी ये नहीं कहा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने हमसे मोहब्बत किया ना 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 स्वर्गदूत कभी ये नहीं गाए हैं ये नहीं गा सकेंगे क्योंकि स्वर्ग दूतों से परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया क्योंकि अभी जैसे हमने बताया स्वर्ग दूतों ने जब पाप किया परमेश्वर ने उनके लिए आग की भट्टी तैयार की आग की झील तैयार की मगर मनुष्य ने पाप किया तो हमारे लिए प्रायश्चित का क्रूस तैयार किया हालेलुया। कभी भी पाप किया हुआ स्वर्गदूत को एक अवसर भी नहीं दिया मन फिराने का लेकिन हमको कितने अवसर दी गिन के जरा देख लो गिन सके तो नहीं गिन सकेंगे हम तो ये गाना गाते हैं गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरी आशीषों के लिए हाँ परमेश्वर ने हमको बहुत आशीष दिया है नौकरी दिया है खाना दिया है पीना दिया है ये लॉकडाउन में भी हम गाते हैं लेकिन कभी भी हमने किसी ने ये गाना गाए क्या खुदा से कि प्रभु जी अनगिनित बार आपने मुझे मन फिराब का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद कभी हमने मन फिराव का अवसर दिए जाने के लिए धन्यवाद की खुदा को हमें जैसे मैंने पिछले दिनों में बोला था कि हमें एक साल और बढ़ाकर मिला भी हो एक दिन और बढ़ाकर मिला भी हो किस लिए कि हम हमें मन फिराव का अवसर है वो हमारे लिए परमेश्वर ने फिर से अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक आ सके परमेश्वर के करीब आने से रोकने वाली ऐसे कई बातें होंगी उन बातों को फेंकने का अवसर हमें खुदा ने दिया है हमारी आयु को बढ़ाते हुए तो छोटे बड़े स्त्री पुरुष हम सबको परमेश्वर ने दिया अनगिनित अन्य आशीषों से बढ़कर अनगिनित अवसर मन फिराने के लिए दिया वो सबसे बड़ा है उन बातों के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद करना वो किसलिए ओनली बिकॉज ऑफ इस लव परमेश्वर के प्रेम के ही कारण आपको खाना मिला तो आपको कपड़ा मिला तो नौकरी गाड़ी मकान परीक्षा में विजय लॉकडाउन में भी आपकी शादी हो गया नहीं तो शादी जुड़ गए आपको सुंदर बच्चे मिले ये इन सारे बातें प्रेम के खातिर नहीं हैं ये सब तो केवल सारे सृष्टि को दिए जाते हैं उस आ, समय हमें भी मिला ठीक है ना पति पत्नी बच्चे मकान ये सब कुछ सबको जो मिलता है क्यों जंगली जानवरों को नहीं मिलते ये सब कुछ जरूर कौओं को नहीं मिलते सुअरों को नहीं मिलते मिलते हैं लेकिन ये सब मिलने से परमेश्वर का प्रेम मत समझना मैं कई बार बोला हूं कई बार सुने हुए लोग हैं आप फिर भी बताता हूं कि कसाई 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 करने वाला काटने वाला बकरे को पानी चारा देता है नहीं देता हाँ या ना? देता है ना देता, देता है।, है देता है कसाई काटे जाने वाले जानवरों को भी सानी पानी और चारा देते हैं तो प्यारो हमको भी सानी पानी मिल रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है कॉलर पकड़ने का ठीक है कसाई उन जानवरों को भी देता है जिसको काटने जा रहा है कोई तो हलाल करने से पहले ठीक पहले छुरी लिया है एक हाथ में उसको पकड़ा है दूसरे हाथ में छुरी है फिर भी उसको पानी पिलाते हैं, ले बेटा मरने से पहले पानी पी के मर हैं? तो काटने से ठीक पहले भी पानी पिलाते हैं पानी पिला रहे हैं सानी पिला रहे हैं चारा खिला रहे हैं तो मत सोचना कि पालने के लिए है लेकिन हमको मिला हुआ प्रेम खाने पानी में नहीं कपड़े मकान में नहीं ठीक है हमको मिला हुआ प्रेम परमेश्वर का क्रूस पर प्रकट हुआ है क्रूस पर है हमारे लिए प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया रोइ द लॉर्ड इसीलिए क्रूस हमारे लिए, लिए परमेश्वर का प्रेम का प्रदर्शनशाला है हमारे लिए क्रूस परमेश्वर के प्रेम का प्रेम प्रदर्शित करने वाला जगह है हमको मन फिराने का अवसर मिला स्वर्ग दूतों को नहीं मिला किसी भी स्वर्गदूत से परमेश्वर कभी हाय हलो नहीं किया ठीक है कहीं मिल जावे तो मुझे जरा बता देना आप मैं इस गलती को सुधारूंगा किसी भी स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने प्रेम का वार्तालाप किया हो परमेश्वर बातें किया आदेश देते वे मानते हैं वो है जरूर वो है जरूर लेकिन जैसे हमसे परमेश्वर अपना दिल बांटता है वैसे कभी दूतों से अपना दिल परमेश्वर ने बांटा कहीं पर भी आप पाए हैं खुदा के कलाम में कहीं नहीं ये करो वो करो उधर जाओ इधर जाओ आदेश देते जरूर वे तो चौबीसों घंटे प्रभु की स्तुति करते हैं जरूर करते हैं जरूर लेकिन हम क्या करते हैं शायद आज भी परमेश्वर आपसे बातें किया होगा आज भी परमेश्वर की आवाज सुने हुए लोग यहां बैठे होंगे व्यक्तिगत तौर पर प्रभु हमसे बातें करते होंगे हां प्यारों ये परमेश्वर का प्रेम है तो यही भाया है परमेश्वर ने केवल हमी से प्रेम किया इसलिए हम ही को परमेश्वर ने मनफराब का अवसर दिया और किसी सृष्टि से परमेश्वर प्रेम नहीं किया नहीं करता है इसलिए उनमें से किसी को भी स्वर्गदूत सहित पाप के बाद मनफराब का अवसर परमेश्वर ने नहीं दिया ठीक है शायद क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा आगे हम चलेंगे फिर एक बात और बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा तीसरी बात तीसरा मकसद सत्तर सप्ताह परमेश्वर नियुक्त करने का तीसरा मकसद क्या है थैंक यू वो है अधर्म का अधर्म का प्रायश्चित किया जाए अधर्म का प्रायश्चित किया जाए अधर्म का प्रायश्चित हर किसी के लिए केवल एक ही है क्या है हमारे प्रभु यीशु ठीक है अधर्म का प्रायश्चित केवल एक ही है चाहे वो यहूदियों का हो या वो गैर यहूदियों के लिए हो ठीक है अभी की जमाने के लिए हो या पुराने जमाने के लिए हो या भविष्यकालीन समय के लिए हो हर समय में पाप का अपराध का प्रायश्चित जो है अधर्म का प्रायश्चित केवल यीशु मसीह है केवल यीशु मसीह इसीलिए तो बताया है रिकनसिलियेशन फॉर इनिक्विटी तो वहां पर बताया है रिकनसिलियेशन फॉर इनिक्यूटी अधर्म का प्रायश्चित किया जाए अकृत्य प्रायश्चितम चाहिएगा वो प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु पर हो गया इसलिए मैंने पहला क्लास में इस सत्तर सप्ताहों का पहला क्लास में शायद आपको बताया था छह बातों में आधा बात पूरा हो गया है बाकी साढ़े पांच बातें बाकी है पूरा होने के लिए जो आधा चीज पूरा हुआ वो ये है यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की सब के द्वारा सबके सब मानव जाति के अधर्म का प्रायश्चित हुआ लेकिन वो ऐसे है तो आधा क्यों पूरा क्यों नहीं पूरा इसीलिए नहीं कि प्रभु यीशु मसीह अभी भी प्रायश्चित होता जा रहा है पढ़िएगा दो प्रकार की प्रायश्चितों के या प्रायश्चित के दो पहलू है ठीक है उसमें पहला पहलू हम जो पढ़ते हैं वो है यूनानी शब्द में हिलास्मोस कहते हैं हिलासमोस एच आई एल ए एस एम ओ एस हिलासमोस एच आई एल ए हिला एस एम ओ एस स्मोस हिलासमोस हिलासमोस जो है वो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है क्रूस की मृत्यु की द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित वो है हिलासमोस क्रूस पर मसी ने किया अपराध अधर्म का प्रायश्चित पहला युगना चार का दस को पढ़िएगा पहला योगना चार का दस प्रेम इसमें नहीं हमने परमेश्वर से प्रेम किया और इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा यीशु मसीह को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए पिता परमेश्वर ने भेजा तो यहां पर हमारे लिए जो मसीह क्रूस पर प्रायश्चित किया है या प्रायश्चित कर रहे हैं प्रेज द लॉर्ड ठीक है तो मसीह क्रूस पर मरा वो है और दूसरी बात दूसरी बात है हिलास्टेरियोन करके शब्द है हिलास्टेरियोन एच आई एल A एस टी ई आर आई ओ एन एक बार और मैं बताता हूं एच आई एल ए एस टी ई -E आर आई ओ एन हिलास्टेरियोन हिलास्टेरियोन वो हिलास्टेरियोन का मतलब है पिता के ओर हमारे लिए प्रायश्चित कर रहे हैं यीशु मसीह हमारे लिए पिता के दाएं ओर मायाजगी ये प्रार्थना के द्वारा प्रायश्चित कर रहे हैं प्रायश्चित कर रहे हैं जकरिया तेरा का पहला पद को देखिएगा जकरिया तेरा का पहला उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता दोनों के निमित्त एक भरता हुआ सोता फूटेगा प्रभु यीशु मसीह ये प्रायश्चित करने की बात कब की है मसी ईशु धरती पर वापस आने की बात है उस समय का है वो है अंतिम तौर पर विशेषकर इसराइलियों के छुटकारा के लिए यहूदियों के छुटकारा के लिए प्रायश्चित करने का अंतिम समय वो होगा जकरिया में इसलिए भविष्य के द्वारा पवित्र आत्मा बता रहा है उस समय यरूशलेम में सब जाति के लोगों के लिए यहूदियों के लिए भी प्रायश्चित का सोता खुला मिलेगा तो अभी भी प्रभु यीशु मसीह के लहू सारे मानव जाति के लिए प्रायश्चित का सोता है। बात में आप पढ़ लेना, जकरिया ही बारा धिया है। उसकी दस से चौदह तक की पदों में भी इसी प्रकार की बात कहा है जकरिया ही बारह का दस से लेकर चौदह तक की पदों में भी हम इन्हीं बातों को देखते हैं और एक वचन और उसके साथ में पढ़ेंगे यशया छासठ का आठ उसको आप पढ़िएगा ऐसी बात किसने कभी सुनी किसने कभी ऐसी बातें देखी क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए वहां पर भी तो बात यही हो रहा है हमने पहले भी देखा था कि एक ही दिन में परमेश्वर मसीह के क्रूस की, की मृत्यु के द्वारा मन फिराने वाले सारे इसराइली देश के अपराध को क्षमा कर देंगे तद द्वारा एक ही दिन में एक देश उत्पन्न हो जाते हैं एक ही दिन में इसराइली देश यहूदियों को परमेश्वर अपना रहे हैं तो उसके लिए सबके लिए कारण यीशु मसीह के पाप क्षमा के सोता की शक्ति है यीशु मसीह से पाप क्षमा के सोता की शक्ति सोता की शक्ति तो ये प्रभु यीशु मसीह जो संसार के पापों को उठा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना के तौर पर अपना लहू बहाया है मसीह ही प्रायश्चित है चाहे यहूदी हो या गैर यहूदी हो यीशु ही पाप का प्रायश्चित है एक का उन्तीस हमें मालूम है ताता ने मसी बारे में बताया हुआ एक गवाही है एक वन तो उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है जगत का पाप उठा ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना मतलब ईशु ही पाप का प्रायश्चित है और कोई नहीं है पाप का प्रायश्चित लेकिन यीशु मसीह का प्रायश्चित का दो पहलू एक तो क्रूस पर मसीह मारा गया वो हो चुका लेकिन अभी भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाई और हमारे लिए प्रायश्चित होता जा रहा है पढ़ेंगे पहला युगना दो पहला युगना दो उसका पहला और दूसरा ये मेरे बालको मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है अर्थात धर्मी यीशु मसीह और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है हमारे ही नहीं वरण सारे जगत के पापों का प्रायश्चित तो यीशु ही प्रायश्चित है यीशु की वो प्रायश्चित की सेवका ही जो हो रहा है वो अभी भी अपना लहू के द्वारा अपने बलिदान के द्वारा मनुष्यों के पाप के प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है विनती कर रहा है ठीक है तो वही हम लोग दूसरा कुरुदी पांच अध्याय की अठारह से बीस तक भी पढ़ते हैं कि दूसरा कुरुंदी पांच का अठारह से बीस तक कहा है रक्न अंग्रेजी में हम ये तीसरी मकसद क्या देखते हैं रकंडसिलियन ओके िएशन फॉर इनिक्यूटी पाप का प्रायश्चित के लिए अंग्रेजी में बताए है कि अधर्म के लिए एक रिकनसिलियेशन मेल मिलाप मेल मिलाप कौन है मेल मिलाप यीशु मसीह है हमारा मेल मिलाप यीशु मसीह मैंने कई बार आपको शायद बताया था मनुष्य और ईश्वर दोनों के दो तरफ में हैं लेकिन बीच में बड़ा खाई है बड़ा खाई वो खाई के कारण ना ईश्वर इंसान के पास आ सकता ना ही इंसान ईश्वर के पास आ सकता खाई उसके उसी समय में है कि सॉरी उसी समय में है प्रभु यीशु मसीह खाई में खड़ा हो गया अपने हाथ को फैलाया बाहों को बढ़ाया कि दोनों पक्ष के लोगों को यीशु मसीह में एक कर दिया इसीलिए वचन बताता है वो हमारा मेल मिलाप है प्रभु यीशु मसीह हमारा मेल मिलाप है तो यहां पर वो ही बात बताया है जी सी सावर रखंडशन हा प्यारो होकर है परमेश्वर ने हमको बिल्कुल बिल्कुल हमको अपने आप से मिलाया आज भी अगर परमेश्वर के पास आने से परमेश्वर से मिलने से किसी के लिए रुकावट है तो जान लीजिए हमारे प्रभु ईशु मसीह हमारे लिए मेल मिलाप है ही यीशु मसीह हमारे मेल मिलाप है ईशु मसीह हमारे प्रायश्चित है अभी भी वो प्रायश्चित की सेवकाई कब पूरा होगा कब पूरा होगा इसराइलियों के अधर्म का प्रायश्चित होने के बाद जब तक प्रभु मसीह मसी की सेवकाई में है जब तक मसी यीशु उठते नहीं बिछुआई की प्रार्थना को उस सेवकाई को छोड़कर तब तक यीशु मसीह प्रायश्चित होते जा रहे होंगे होते जा रहे होंगे अब कलीसिया उठा लिए जाएंगे तब कलीसिया के लिए मसीह की मध्यस्थता बिचुआई समाप्त हो जाएगी लेकिन उसके बाद भी यहूदी रह जाते हैं इसराइली रह जाते हैं लेकिन उनके लिए भी पापों का प्रायश्चित में खून बहाने वाला दूसरा कोई नहीं वो भी हमारे प्रभु ईश मसीही है इसीलिए ये पूरा तब तक नहीं होगा जब तक हमारे प्रभु वापस नहीं आता इसीलिए ये तीसरी बात अधर्म का प्रायश्चित का होना वो भी जब तक मसीह की पंजर से बहे हुए सोते में इसराइलिया देशीय तौर पर अपने पापों को क्षमा नहीं पाएंगे तब तक यह भी पूरा नहीं होगा हाँ क्रूस की मृत्यु का आधा हिस्सा पूरा हो चुका है बाकी की प्रार्थना में प्रायश्चित होते जाने वाली बात अब तक पूरा नहीं हुआ है नहीं हुआ है अगर मानो ये तीसरी बात तो पूरा हो गया माने तो भी बाकी पांच बातें पूरा होने के लिए बाकी है वो कुछ भी जब तक मसी न आवे तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसराइल का मन फिराव ना हो तब तक ना होगा, होगा। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों के लिए ठहराया हुआ सत्तर सप्ताह अभी तक पूरा नहीं हुआ है सत्तर सप्ताह पूरा अभी तक नहीं हुआ है चौथा बात में हम अभी प्रवेश करेंगे तो समाप्त नहीं हो पाएगा तो उसके लिए उसको हम अगला दिन में मनन करेंगे प्रभु के आगमन में देरी रहा तो सोमवार के दिन सुबह तब तक के लिए मैं विदा लेना चाहूंगा कि प्यारो हमारे प्रभु ईश मसीह के आगमन कलिसिया को लेने के लिए किसी भी समय हो सकता है कभी भी हो सकता है हम तैयार रहें हम तैयार रहें देश देश मृत्यु के कगार में है और देश देश बीमारी के कहार में है प्यारों हम जिंदे रहें या सो जाए पर नहीं हमारे प्रभु के साथ हो जाना चाहिए मसीह की आगमन बहुत ही करीब है अब तक अगर किसी ने यीशु को ग्रहण नहीं किया किसी ने यीशु मसीह की क्रूस पर विश्वास नहीं किया आज आपके लिए अवसर मसीह पर विश्वास करें को मुक्तिदाता प्रभु जानकर अंगीकार करें के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें अपने आप को तैयार करें मसीह की आमद में हम उठा लिए जा सके ताकि हम मसीह के संग संग रह सके आप अपने आप को समर्पण करें प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको वृक्षिश देवे